आया एकदम से, वो रिसेशन आपका इसी चेन के टूटने की वजह से आया। हुआ क्या, हम लोग जब इस रिसेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसी चेन को आप फिर से आप एक बार माइंड करिएगा, ध्यान करिएगा कि किस तरीके से डिमांड घटती है। इफ द डिमांड इज डिक्रीजिंग देन द प्रोडक्शन विल डिक्रीज, देन प्रोडक्शन विल डिक्रीज, देन लोगों को क्या किया जाता, फायर आउट किया जाता। देयर इज वन पॉलिसी दैट इज कॉल्ड हायर एंड फायर, हायर एंड फायर पॉलिसी। वेन एवर आई नीड आई विल हायर द पीपल, और जब हमें जरूरत नहीं तो क्या कर देंगे, फायर यानी बाहर कर देंगे। जब हमें लोगों की जरूरत है, ज्यादा काम कराना है, ज्यादा प्रोडक्शन हमें कराना है, ज्यादा लोगों को भर्ती किया, ज्यादा लोगों को हमने इन्वॉल्व किया, और जब कम प्रोडक्शन करना तो हम लोगों को निकाल दिया। वाई, जैसा टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स का अपना एक क्राइटेरिया है कि वी विल प्रोड्यूस द नैनो कार 1000 डे। हम लोग टाटा का एक प्लांट बताओ उत्तराखंड में कहां पर है, पंतनगर में। अभी टाटा नैनो का नया प्लांट गुजरात में कहां पहुंचा है, गुड। तो हुआ क्या कि टाटा नैनो सपोज दैट क्या चाह रहा है कि हम 1000 कॉस्ट डेली बना रहे हैं। अगर उसकी आपका एक बेल्ट है जिस पर आपका जो बेल्ट होती है, जिस पर कार बनती पूरी, उस पर जो है वो 1000 कार उसका डेली का रहता टारगेट। सपोज दैट वो 1000 कार डेली बना रहा है, वो क्या रहा है उसकी 1000 कार्स की डिमांड जो आपका नहीं हो रही है, डिमांड नहीं है तो वो कारें बिक नहीं पा रही। जब कारें नहीं बिक पा रही तो जो ज्यादा प्रोड्यूस हो जा रही, जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, वी नीड स्पेस फॉर दैट। Then what we'll do? We will stop the production. और जब we will stop the production, we will sometime we will wait and otherwise we'll fire out the employees. और जब employees आपका jobless हो जाएंगे, तो jobless होने के time पर वो क्या करेंगे, उनकी purchasing power कम, demand फिर से क्या हो जाएगी कम, और ऐसी situations क्या कर देती है आपका, ऐसी situation में employment भी खत्म हो जाती, employment भी negative growth rate employment में आ जाती है, और पूरी पूरी economy हमारी किस पर आ जाती है, economic meltdown या economic slow में आ जाती है। economic meltdown क्या, यही है जब demand क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और demand ने तमाम bailout packages दिए हुए, 3 bailout packages दिए, वो क्यों दिए हुए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो बेल आउट पैकेजेस दिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दोस बेल आउट पैकेजेस इज कि हमसे पैसा ले जाओ। होता है क्या, व्हाट इज हैपेंड, व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ रिसेशन, पीपल डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग, पीपल डोंट वांट टू एक्सपेंड देयर मनी। अगर वो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई कि आप लोग पैसे को खर्च करो, आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई करती है आप पैसा खर्च करो, और क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को सीधा नीचे लाती है। एट द टाइम ऑफ द रिसेशन तुम्हें देखो, एक कार का अगर ऑटो लोन की बात करें 3% पर, यूएस और जापान में लोन्स का रेट लगभग 0% हो जाता है, मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, यू गो टू द बैंक, यू टेक द मनी एंड जस्ट इसको खत्म करो। अब उससे होगा क्या, आपको बहुत सस्ता पैसा मिल रहा है, यू आर गेटिंग द मनी एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे टाइम पर जब आप हो सकता है लो इंटरेस्ट रेट को ही देख के पैसा ले लो, उसको खर्च करो, वेन एवर यू विल इसको खर्च करोगे तो उस टाइम क्या होगा, फिर से डिमांड बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि जो डिमांड है वो डिमांड लगातार क्या रहे, बनी रहे, और इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सब सुना हुआ ना, सस्टेन करना लगातार एक जैसी ग्रोथ के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारी जो डिमांड है वो डिमांड आपका डिमांड लगातार अप एंड डाउन होती रहे। डिमांड को हम क्या चाहते हैं कि डिमांड शुड बी ना प्रॉपर पैटर्न, डिमांड शुड बी कांस्टेंट, और उसी डिमांड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बेल आउट पैकेजेस लाती है। इंडिया के ऊपर क्यों नहीं फर्क पड़ा, we dependent on export, we were not dependent, we were not acha right, we are having the sound banking policy, this is the right point, we are not dependent on the export, this is also right point, on agriculture based economy we have not can you define the term bailout packages, yeah, because of less FDI in banking sector. Less FDI in banking sector. Sir, question. Why India was not affected? Less in the companies which made
Yeah, see, listen. Why India was not affected? The main reason was the domestic consumption. And we are not based on the export. In the world trade, India is having just only 1% share. Whatever is the world trade, the total world trade, India is just contributing only 1%. Including import and export both. Right? Suppose that we are talking about the USA. USA is contributing approximately 13% in the total world trade. USA is contributing 13% in total world trade. पूरा जो विश्व व्यापार है उस पूरे विश्व व्यापार में USA का हिस्सा कितना है? 13%. अगर पूरे विश्व में 100 रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें USA का शेयर कितना होता है? 13. और हमारा मात्र कितना है? 1%. और हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है? यानी इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? निगेटिव है. यही समझिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो लोगों ने बहुत सुना होगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हाट इट इज मोटा मोटा समझ लो. व्हेनेवर इंपोर्ट एक्सीड्स द एक्सपोर्ट इट मींस आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेगेटिव. बात समझ आ रही है? दस व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट इट मींस आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेगेटिव. 13% बाकी सब कौन से इकोनॉमी में 13 major major countries are USA, Russia, Japan, China. These are contributing more and more to the world trade. Highest 13% US. Others are European Unions. Europe में आपका Germany है, France है, ये आपका contribute करते हैं. I'm telling you about the people residing in India, and they are going through the saving their money. I think this is the main component to this. As you have people which are outside of the India, they want to save the money. Indian people. Yeah. As you say, sir, yeah. I think the Indian people responsible. Indian people are more favored. I am coming to your topic. You are talking about the domestic saving rate. I'm right? Yes. Domestic saving rate. What it is? I am talking this term. Suppose that an individual is earning 100 rupees, right? His monthly or annual income is 100 rupees. And he is saving 34 rupees. That is highest for the China. Yes. And in China, the domestic saving rate is approximately 34%. In India, we are having the trend of the highest domestic saving rate. But आजकल का जो youth generation है, उसके अंदर जो consumption और लगातार बढ़ते हुए expenditures हैं, वो क्या हो रहा है? उसकी habit ज़्यादा आ रही है. तो मॉडर्न ट्रेड जो आपका है आज के टाइम पर हम लोग वेस्टर्न पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. वी पीपल डोंट बिलीव ऑन सेविंग. सो आज के टाइम पर क्या हो रहा है? हमारा डोमेस्टिक सेविंग रेट लगातार कम होता जा रहा है और इंडिया का जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है वो कितना है आपका? 24%. इंडिया के रिसेशन में ना फंसने के बहुत ही सारे कारण है. वन ऑफ द फैक्टर इज दिस वन, राइट? ओनली वन फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. आपने जैसे बोला हुआ था हमारी मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई पहले से ही इंश्योर कर देता है बैंक्स को एसएलआर और सीआरआर के रूप में रिजर्व रखने को. तो हमारी बैंक्स का करीब करीब 1/3 हिस्सा जो डिपॉजिट्स होता है वो हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है? सेव्ड होता है. सो वन फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. वी विल कम टू बैक दिस टॉपिक, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट कि यूएसए इज एन इकोनॉमिक पावर. जस्ट फॉर वन मिनट आई एम कमिंग. एंड विद द इकोनॉमिक पावर USA is along with the political power. अभी आपको बताया ना, बराक ओबामा साहब आए और आते ही आते उन्होंने ढेर सारे क्या कर रहे हैं, हमसे ऑर्डर जबरदस्ती ले लिए. सो USA along with the economic power, that is also a political power. And और उसके साथ साथ ये क्या है आपका? मसल्स पावर भी है, मिलिट्री पावर.
तो आज के टाइम पर अगर हम लोग बोलते ना कि व्हेन द यूएसए इज नीडेड ऑल द अदर वर्ल्ड कैच द कोल्ड, जब भी अमेरिका को छींक आती बाकी सभी को आपका जुकाम हो जाता, द रीजन इज दैट बिकॉज यूएसए इज अ इकोनॉमिक पावर एज वेल एज अ पॉलिटिकल एंड मसल पावर, राइट। अकेला उसका एक अगर जहाज ही बेड़ा आ जाए तो हम लोगों के लिए पर्याप्त है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग दुनिया के फिफ्थ नंबर की सबसे बड़ी एयरफोर्स है, नहीं, यूएसए क्लियर कट इज नंबर वन एंड नंबर वन। देन आगे आते हम लोग, आप बताएं क्या पूछ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट, व्हेनेवर वी विल डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कैन वी डिस्कस देयर, चले देखिए इन्होंने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट के बाद वी विल डिस्कस टू टर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सी एम्प्लॉयमेंट रेट हियर इन इंडिया और इन एनी कंट्री वी आर हैविंग टू सेक्टर्स व्हिच गिव्स अस एम्प्लॉयमेंट, वन इज पब्लिक सेक्टर एंड अदर इज